हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वाले वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके काइंड्स कैसे होते हैं और उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका इंग्लिश नोटबुक की, जो आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे और इन अ सीक्वेंस वी विल लर्न अबाउट ऑल चैप्टर्स, ऑल टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर नोटबुक। इज दैट क्लियर? एक एक करके हम जो सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, आपकी जो रूट है आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक है, उसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हवा में जाएंगे चीज़ों को, हम पूरा गोत्र होकर के हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। जब मैं बात करता हूँ सेंटेंसेस की, तो देखिए सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस, यानी उसका कोई अर्थपूर्ण मतलब निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, उसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग होता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। बात आ गई समझ में? सेंटेंस क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित मीनिंग होता है वह क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब मैं बात करूंगा मैं इसके काइंड्स के बारे में कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी टाइप्स कह लीजिए या काइंड्स कह लीजिए, मतलब एक ही प्रकार। ठीक है, प्रकार होता है मतलब इसका, टाइप्स का मतलब क्या होता है? प्रकार। यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इस तरीके से। देखिए जब सेंटेंस की बात होती है तो आपने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ये इतने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये काइंड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के। अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा असर्टिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव नेगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव होगा और कौन सा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो वन बाय वन करके हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं टाइप्स भी देता हूँ सेंटेंस के। देखिए फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं असर्टिव? असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं एक तरीके से। इनको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। असर्टिव के बाद जो नेक्स्ट आता है तो मेन टैग है वो चाहिए, असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, जो आपके रूप में दे रखे हैं। लेकिन इनके अंदर भी कुछ टाइप होते हैं। असर्टिव के बाद अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में एक इंटरोगेटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, अच्छा इंटरोगेटिव में दो तरह के होते हैं, एक ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज होते हैं। अब डब्ल्यू एच वर्ड से मतलब क्या है? जैसे हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड। आपने देखा होगा इनमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जहां डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट होंगे वो भी क्या होंगे? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है, असर्टिव में एक आता है, एक तो सकारात्मक हो गया पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और एक होगा नेगेटिव वाला, यानी जिसमें नॉट भी यूज होगा। तो एक हो गया असर्टिव, एक हो गया नेगेटिव, यानी दो टाइप इसके यहाँ पर हो गए। नेक्स्ट मैंने आपको इंटरोगेटिव के बारे में बता ही दिया है कि एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज होता है, उनको भी हम लोग इंटरोगेटिव
होते हैं, ठीक है। जहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको यस नो टाइम वाले बोलते हैं, यानी वहां पे किसका सेंस निकलता है, हाँ या ना का। जैसे आपसे पूछा किसी ने डू यू लिव इन जयपुर, क्या आप जयपुर में रहते हो, तो डू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दूसरे सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जयपुर में रहते हो, अगर आप रहते हो तो आप बोलो यस आई लिव इन जयपुर, अगर आप नहीं रहते तो आप बोलो नो आई डोंट लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में नहीं रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको यस नो टाइप वाले हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो डब्ल्यू एच वाले होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड यूज हो रहे होते हैं, इसलिए वो डब्ल्यू एच टाइप वाले हमारे क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। कैसे, अब एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होगा, इस तरीके से, यानी एक लाइन होगी और उसके नीचे एक पॉइंट लगा होगा इस तरीके से, वो कहलाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। अब वर्बल एक के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले असर्टिव, जिनको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिनको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी एक कोई डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, घोषणा की है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये क्या हो गया, डिक्लेयर कर रहा है वो, ये असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। सी इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है, दे आर गोइंग टू जयपुर, वे जयपुर जा रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, असर्टिव कहलाएंगे, क्योंकि एक सिंपल सब्जेक्ट, एक सिंपल वर्ब और एक सिंपल ऑब्जेक्ट का क्या हुआ है, यूज हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर माय फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया हमारा नाउन, यानी इसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी सिंपली किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज होंगे, यानी अगर कोई सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से या जिसमें कोई डब्ल्यू एच वर्ड यूज नहीं होगा या उसके लास्ट में कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा होगा, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, इसको हम कह सकते हैं, इसको अफर्मेटिव भी बोला जाता है, ठीक है। असर्टिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव, ये इतने नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी आप जान सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं सेंटेंसेस। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे वो या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या किसी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है। उनके बाद नंबर आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस वहां आपको फील होगा, ये फीलिंग आएगी कि वहां या तो ऑर्डर दे रहा है उस सेंटेंस में, या आपको कमांड कर रहा है, या आपसे विनती कर रहा है, या आपको सलाह दे रहा होगा, इस तरीके के जो सेंटेंसेज होते हैं वो कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला स्विच ऑन द लाइट, लाइट को जला दीजिए, बत्ती जला दीजिए, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ रिक्वेस्ट का सेंस आता है वो भी इंपरेटिव सेंटेंस कह रहा था, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना कलम दे दीजिए, प्लीज गिव मी योर वाटर बोटल, मुझे अपनी पानी की बोतल दे दीजिए, ठीक है। इस तरीके से प्लीज गिव मी योर शॉपनर, मुझे अपना शॉपनर दे दीजिए, प्लीज हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए, ठीक है। काइंडली गिव मी सैड का जगह दे दीजिए। तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं इनको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, क्या कहते हैं इनको हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, यानी आश्चर्य में पड़ जाना, विस्मय में पड़ जाना, यानी हक्का बक्का रह जाना। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, आश्चर्य में पड़ जाना, हक्का बक्का रह जाना। अब आश्चर्य में मान लीजिए आपने कोई खूबसूरत सी इमारत देखी तो आप बोलते हैं वाह कितनी शानदार इमारत है, तो ये होता है एक्सक्लेमेशन, यानी हमको सडन कोई शौक लगता है किसी चीज को देख करके, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, वो क्या कहलाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर। जैसे दुख होता है हमको, या ज्यादा खुशी होती है, या अगर हमको चोट लगती है तो जो दर्द होता है, जैसे हम सडन जो हमारी फीलिंग होती है ना, आउच मेरे तो लग गई, मेरी उंगली कट गई, अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना शानदार, कितना
सुंदर फूल है, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग सेंटेंसेस में यूज करते हैं वर्ड, तो जैसे अलास हो गया, वाव हो गया, ब्रेवो हो गया, हुर्रा हो गया, ठीक है, हिप हो गया, ये जो वर्ड होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं ये वाले। अब ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस, वह पर्टिकुलर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? ये होते हैं सेंटेंसेस के टाइप। अब वन बाय वन हम इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस से, ठीक है। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया है सेंटेंसेस के बारे में, कि सेंटेंसेस होते क्या हैं और किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उनको पढ़ेंगे। अगर मैं टाइप्स की बात करूं सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले असर्टिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, और जिसको डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये सारे नाम इसी एक ही किसके हैं, सेंटेंस के, ठीक है। असर्टिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं कौन से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे सकारात्मक वाक्य, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इनको हिंदी में बोला जाता है सकारात्मक वाक्य। ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव से हमारे लोग प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिनको हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक, क्या बोलते हैं बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं विस्मयबोधक, हिंदी में क्या बोला जाता है इनको? विस्मयबोधक वाक्य। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा विस्मयबोधक ये क्या होता है, तो विस्मयबोधक का मतलब होता है यानी आश्चर्य में पड़ जाना, सरप्राइज हो जाना, सडन शॉक लगना, किसी चीज को देख करके ऐसा लगे कि अरे ये क्या हो गया, यानी आश्चर्य से आंखें, जैसे हम लोग कोई देखते ना, कोई ज्यादा सुंदर हमने बिल्डिंग देख ली हो, कोई हमने अजीब चीज देख ली हो, कोई विचित्र सा प्राणी देख लिया हो, अरे ये क्या चीज है, तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, तो जो सडन शॉक लगता है, जो फीलिंग आती है ऐसी, ये तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, या जो खुशी में जो वर्ड्स हमारे निकलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैच था बहुत ही बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा था और अचानक से आपकी टीम हार जाती है तो आपको दुख होगा, अगर टीम जीत जाती है तो आपको क्या होगा? खुशी होगी। अगर हार जाए तो हम कैसे करेंगे? अलास, यानी दुख की बात है, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। अगर आप मैच जीत जाते हैं तो ब्रावो, हिप हिप हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। तो जब और ये जो फीलिंग्स आप अपनी एक्सप्रेस करते हैं, जो कुछ शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे अलास हो गया दुख के लिए यूज करेंगे हम लोग, ब्रावो, वेल डन, हिप हिप हुर्रे, ये सारे किसके लिए होंगे? यही आप अपनी हैप्पीनेस को, या आप ये शो करना चाहते हैं कि आप जीते हैं, तो ये सारे वर्ड्स उसको एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपको चोट लगती है तो आप आउच, ऊप्स, ये जो वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, चोट लगती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो ये वाले वर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे। अब ये तो मैं यूज बता देता हूँ आपको कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, उनमें से आपने कोशिश करनी आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। वन बाय वन पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? हम लोग सकारात्मक वाक्य से, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिनको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, और जिनको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं
टेनिस से। अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो नॉट का यूज होगा ना किसी
डब्ल्यू एच वर्ड का यूज होगा और ना ही वह किसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं आएगा। जो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस होंगे वह हमेशा सब्जेक्ट से शुरुआत होते हैं, उनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जैसे कोई एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अफर्मेटिव असर्टिव जो सेंटेंस होंगे वो हमेशा किसी सब्जेक्ट से उसकी क्या होगी, शुरुआत होगी और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप इस तरीके से लगा हुआ होगा, यानी एक पॉइंट पे लगा रहता है। ऐसे जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी हमने एक कोई सेंटेंस बोला, माय फादर इज अ बिजनेसमैन फुल स्टॉप, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग फुल स्टॉप, ठीक है, ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहते हैं, हिज ऑफिस इज इन जयपुर, उनका ऑफिस जयपुर में है। तो ये सारे क्या है, अफर्मेटिव असर्मेटिव सेंटेंस है। यानी हर सेंटेंस के बाद हम लोग कंप्लीट फुल स्टॉप लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, लेकिन अगर उसी में कुछ बात और ढूंढना चाहेंगे तो हम लोग कॉमा लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते। लेकिन मान लीजिए जहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है और आप समझ जाइए कि वो क्या होगा, एक असर्मेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर इंटरोगेटिव होता इंटरोगेटिव मार्क लगा होता और एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है हमारे लिए पहचान करना। दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा या डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो ऐसे वर्ड जो एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड यूज हो रहे हैं। जैसे अलास, वी अलास आवर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, यानी हमारे प्रधानमंत्री मर गए, ये दुख की बात है। अलास क्या होता है, दुख की बात है। अलास माय फ्रेंड इज नो मोर, बड़े दुख की बात है, मेरा दोस्त अब नहीं रहा। तो ये सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेशन। अब जो अलास वर्ड होगा ए एल ए एस, ऐसे लगा हुआ एक्सक्लेमेशन, कैसे, जो अलास वर्ड है उसके बाद में एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, अलास माय फ्रेंड इज नो मोर, बड़े दुख की बात है, मेरा दोस्त अब नहीं रहा। तो ये जो सेंटेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब ब्रावो हो गया, वेल्डन हो गया, हिपे हो गया, उप्स हो गया, आउच हो गया, ठीक है, ओह हो गया, ठीक है, ओ अरे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, अरे तुम यहाँ क्या करें, ओ व्हाट आर यू डूइंग हियर, अरे तुम यहाँ क्या करें, ओ का मतलब क्या निकलता है, अरे निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कह रहेंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इंपरेटिव, यानी जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इंपरेटिव जो सेंटेंस होंगे उनका अलग ही फंडा है, यानी उन सेंटेंस में आपको ये फील होगा, ये ऐसी फीलिंग आएगी कि वह या तो कमांड दे रहा है, कमांड का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। नहीं आप या तो ऐसा करो कि मान लीजिए हमको आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है, बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, या एडवाइस की बात होगी, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करिए, यहाँ क्या है वो सलाह दे सकता है आपको, वो कमांड भी कर सकता है, भाई गरीबों की सहायता करिए, ठीक है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करिए। तो ये जो सेंटेंस होंगे इस टाइप वाले, ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दीजिए, गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दे दीजिए, प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दे दीजिए, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। तो जो काइंडली वर्ड हो गया, प्लीज वर्ड हो गया, ठीक है, ये सारे जो वर्ड यूज होंगे किसी सेंटेंस में तो वो कहलाएंगे हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यानी इन शॉर्ट मैनर हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जहां से जो सडन फीलिंग आएगी, आप वो फील करेंगे कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, वो हमको कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, या ये हमारे लिए जो हमसे विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। ऐसे जो वर्ड्स यूज हो रहे होंगे उनको हम लोग इंपेरेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। आई होप आज ये जो मैंने चीजें आपको बताई है कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कल हम लोग क्या करने वाले हैं कि कल हम लोग कोशिश करेंगे जूम ऐप पर एक क्लास करने की, ठीक है। तो मैं इन द मॉर्निंग या मे बी हो सकता है टुडे इन द इवनिंग आप लोगों को जो जूम पर जो शेड्यूल मीटिंग होगी, टाइमिंग क्या है उसकी, किस तरीके से हमें उसको शुरुआत करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसको लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से सारे स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले एक काम करिएगा, आज अपने फ़ोन में
उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बिना वो मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो जो मीटिंग होगी वो जूम ऐप के थ्रू ही होगी। उस कल हम लोग फिर जूम ऐप पर मीटिंग करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इंटरेस्टेड होंगे जूम मीटिंग के लिए, यानी जूम क्लासेस के लिए वो क्या होंगे, ऐसा ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और वहाँ हम फेस टू फेस इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसे अपना हाथ रेज करेंगे और आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। अब मुझे पता होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे क्लासेस में स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे होते हैं, जूम ऐप पर भी आप उसी तरह से मेरे सामने बैठे होंगे, तो मैं बेहतर तरीके से अपनी बात आपके आप तक पहुँचा सकता हूँ उसके थ्रू, तो वो बहुत अच्छा मीडियम है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छी तरह से उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो भी इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। आप उनको फॉलो अप करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो जूम ऐप है हमारा, अगर चीज़ें बिल्कुल सही रहें, और ऐसी कोशिश करिएगा कि जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल सही हो, अगर इंटरनेट का जो एक्सेस है अगर वो सही नहीं होगा तो जो जूम ऐप पर मीटिंग वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आपकी कभी वॉइस नहीं आएगी मेरे को, कभी आपकी जो वीडियो होगी वो सही से नहीं चलेगी, वो हेजिटेट कर सकती है, रोक सकती है, बीच में इंटरप्ट कर सकती है चीज़ों को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जूम जो क्लासेस के रिगार्डिंग, कि आपने क्या करना है कि ऐसी जगह एक तलाश कर लेनी है तरीके से, और सबसे बड़ी चीज़ कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा पीसफुल पेस होना चाहिए, पीसफुल स्पेस होना चाहिए, यानी ऐसी जगह ढूंढेगा या प्लेस होना चाहिए कि जहाँ शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है, और एक्सेस हो इंटरनेट की प्रॉपर तरीके से, यानी प्रॉपर इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए जहाँ आसानी से इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो और आप इजीली मेरे से जुड़ सकें। तो हम लोग कल से इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, और जूम ऐप पर कल हम इनसे रिलेटेड यानी सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि अलास, ब्रावो, वेल डन किस सेंस में हम इनको यूज करेंगे, और इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम लोग और कैसे बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, इंटरोगेटिव वर्ड्स जो इंटरोगेटिव हमारे जो सेंटेंसेज हैं उनके ऊपर मैंने आपको पास इस पास में उनके बारे में आपको बता दिया है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो उनके बारे में आपको बता दिया, यानी सिंपली अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो वह एक पॉजिटिव, अफर्मेटिव और असर्टिव क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, यानी जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, जैसे हु हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। उनकी यूजेज अलग अलग हैं, जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तब वो उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी जितना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है सिर्फ वही चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जब डब्ल्यू एच वर्ड्स की बारी आएगी तब उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, जैसे हु का मतलब कौन होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, विच मतलब कौन सा होता है, ठीक है, हु मीन्स कौन होता है, हाउ मीन्स कैसा होता है, हाउ मच कितना होता है, जो क्वांटिटी के लिए यूज होता है, यानी जो चीज़ें जो उनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उनके लिए हाउ मच यूज करते हैं, हाउ मैनी काउंटेबल नाउंस के लिए यूज होता है, जैसे जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का क्या करते हैं, हाउ मैनी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, हाउ मैनी पेंस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने कलम हैं, तो पेंस वो स्टूडेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं, तो हमने हाउ मैनी का यूज किया। जैसे हाउ मच हो गया वो क्वांटिटी के लिए, यानी मात्रा के लिए, हाउ मच वाटर यू हैव, तुम्हारे पास कितना पानी है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब पैसा, पैसा मतलब क्या हो गया, एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, पैसा क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट। मनी का मतलब क्या हो गया, धन, रुपयों को गिन सकते हैं लेकिन मनी यानी धन को हम लोग नहीं गिन सकते भाई। जो धन होगा, जो प्रॉपर्टी होगी वो गोल्ड के रूप में भी हो सकती है, आपके पास जमीन हो बहुत सारी तो वो भी तो प्रॉपर्टी है, मनी है कि नहीं है, संपत्ति है कि नहीं है, तो ये चीज़ें सारी अनकाउंटेबल फॉर्म में आती हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन अगर मैं 5000, 2000, 6000, 5000 रुपये, 3000 रुपये न्यूमेरल नंबर में जब दी होंगी चीज़ें हमको, तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर वो काउंटेबल की तरह फंक्शन करेगा। और जहाँ पर सिर्फ मनी की बात होगी, ठीक है, मनी और रुपी दोनों में अंतर है। रुपी का मतलब हो गया कि पैसे की एक क्या है, यूनिट हो गई, इकाई हो गई, जैसे रुपी हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, 100 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, मिलियन हो गया,
अकाउंटेबल फॉर्म में क्या होगा, यूज होगा। तो आई होप आज हम लोग इसी क्लास को यही एंड करेंगे। कल से हम प्रॉपर से जूम क्लासेस पे, ये जो जूम एप्लीकेशन है, जो जूम ऐप है हमारा, उस पर क्लासेस को रन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सब उसके लिए तैयार हो जाएंगे, और जितने भी लोग तैयार हैं वो मेरे को आज ग्रुप में पर्सनली मैसेज करेंगे। अगर ग्रुप में नहीं करना चाहते तो जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास हो गई ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर मेरे को हाई लिख के मैसेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं आई एम रजिस्टर्ड, ठीक है। तो मेरे को वेट रहेगा आपके मैसेज का, और आज इस क्लास को हम यही ओवर करते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आप जो भी मेरी कोशिश है आपको सिखाने की। और हमको सीखना है, सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि हमको सीखना है, और वीडियोस को आप प्रॉपर से देखना शुरू करिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स।